बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ऊर्जा मतलब सूर्य की किरणें, और जिसकी हम पूजा करते हैं छठ में, तो ऊर्जा से जो वरदान मिलता है उसे छठ मैया की पूजा कहते हैं। और सनराइज़ ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इतना सुंदर गाना और इतना सुंदर वीडियो शूट किया है, जो जिसका पात्र मैं बनकर मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि देयर आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। कार्तिक महीना वाके पावन दिनवा आवेला छठ के त्योहार, सांझे सवेरे सूरज लेवे अरगिया, पूजेला जग संसार, होवेला जग उजियार, और जाके मिले वरदान, और जाके मिले वरदान। सनराइज मसाले उन्होंने प्रोड्यूस किया है, एंड मुझे उम्मीद है कि लोगों को ऊर्जा का वरदान जो मेरा गाना है छठ का, वो लोगों को अच्छा लगेगा। करके कैसा लगा? बढ़िया है, मतलब यार एक्टिंग तो खून में है, 26-27 साल खास करके सब में, मतलब सब खासी रहता है भाई कोई भी चीज़ एक्टिंग ऐसी नहीं होती है जो बेकार होती है। मैं खुद छठ करती हूँ, इसलिए मैं इतनी राजस्थान से हूँ। अब राजस्थान से हूँ लेकिन शादी बिहार में हुई है, तो मैं बिहारी हूँ। और क्या मानते हैं, राजस्थानी मानते हैं या बिहारी मानते हैं? मैं अपने आप को हिंदू मानती हूँ और जो भी जिस पे विश्वास मुझे होता है वो मैं सारी चीज़ें करती हूँ। रिचुअल्स को दिखाते और सिखाते, बच्चे को सिखाना है, एक आगे जनरेशन को बताना छठ कैसे होता है, उसका वैल्यूएशन क्या है, और बहुत नीट एंड क्लीन है ये वीडियो, आप देखिए तो मजा आएगा। ऊर्जा का वरदान सनराइज मसाला का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें एक्टर और डायरेक्टर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, हम दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका लाइव बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी थैंक यू। क्या कहेंगे ऊर्जा का वरदान कार्यक्रम जो आप लोगों ने बनाया है और वीडियो बनाया है, इसको लेकर? कुछ एक खूबसूरत छठ का गाना है, छठ का माहौल है, उसके बीच में हर साल एक आध गाने रिलीज़ होते हैं जो लोगों को बहुत लोकप्रिय भी होता है और लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं। सो ये एक सनराइज़ की तरफ से पहल है, जहाँ पे फिर से देवी जी ने गाया है और एक खूबसूरत छठ का गाना लोगों की नज़र में लेके आ रहे हैं। एक्ट करके कैसा लगा? बढ़िया है, मतलब यार एक्टिंग तो खून में है, 26-27 साल खास करके सब में, मतलब सब खासी रहता है भाई कोई भी चीज़ एक्टिंग ऐसी नहीं होती है जो बेकार होती है, नहीं बट चूंकि छठ का महापर्व बहुत वो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो भी विधि है जो आप दिखा रहे हैं लोगों को, उसमें कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं एक आस्था तो बनी जाती है, एक फीलिंग्स अच्छी आ ही जाती है, एक प्योरिटी की फीलिंग हो जाती है। बिल्कुल। डायरेक्टर हमारे साथ क्या कहेंगे, इस तरीके से आपने ये तमाम चीज़ को डायरेक्ट किया है उसको लेकर? क्योंकि इस गाने में ऊर्जा का वरदान जो हमारा गाना है, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे आपने गाना जो सुना होगा वो देवी जी की आवाज़ में है, म्यूजिक डायरेक्टर दीपक ठाकुर हैं, मुंबई से ही हैं, राजेश सर हैं, नेहा मर्दा जी हैं, मतलब बहुत सारे स्टार्स को लेके जब काम करते हैं ना, तो एक अलग से टेंशन होती है और बहुत सारे आपके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि इन सारे स्टार्स को भी दिखाना अच्छे से है, और हमारा छठ का जितना रिचुअल्स है वो भी बहुत अच्छे से दिखाना है। तो हमारे लिए भी ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ राजेश सर के साथ करना, फाइन एक्टर नेहा मर्दा, इट्स टोटली मतलब बहुत अच्छा काम किया है सब ने, बहुत लाइट एक्सप्रेशन के साथ हमको इसे शूट करना था, बहुत अच्छा शूट हुआ और आप भी अच्छा बोलते हैं जी। खास करके ये है कि लोक आस्था का महापर्व है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखा जाता है, और जब आप डायरेक्ट कर रहे हो उस समय भी बहुत सारी बातें को ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब वीडियोस देखेंगे तो छठ की रिचुअल्स को हम दिखा रहे हैं, उसमें एक सीन में आप देखेंगे कि एक बच्ची होती है जो चप्पल पहन के जा रही होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं होता है वो क्या हो रहा है, वो पूछती है क्या हो रहा है, वो चप्पल पहन के जब जाती है तो उसकी माँ उसको रोकती है कि नहीं चप्पल नहीं पहन के, यहाँ गेहूँ पसरा जा रहा है, वो आगे पूजा में काम आएगा। फिर उसको जो भी इसमें हम दिखाना चाह रहे हैं वो रिचुअल्स को दिखाते और सिखाते, बच्चे को सिखाना है, एक आगे जनरेशन को बताना छठ कैसे होता है, उसका वैल्यूएशन क्या है, और बहुत नीट एंड क्लीन है ये वीडियो, आप देखिए तो मज़ा आएगा। आस्था को लेकर के भी चीज़ें हैं? बिल्कुल, आस्था क्योंकि हम लोग जो वीडियो दिखाते हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ है, और हमको लगता है कि 1-2 दिन के अंदर 3-4 मिलियंस हो जाएंगे, उसमें कोई पिछले साल मैंने जब किया था तो 5 मिलियंस व्यू आए थे 1 वीक में, तो इस बार तो है कि फर्स्ट 2-3 दिन में आ जाएगा, तो और
भगवान करे और सब लोग करे कि ये गाना बहुत अच्छा है और सब लोग आप लोग भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरा छठ का एक सॉन्ग आया है ऊर्जा का वरदान और काफ़ी अच्छा इसमें वीडियो भी बना है। पूरा जो परिवार की जो फीलिंग्स होती है उसको दिखाया गया है। सनराइज मसाले उन्होंने प्रोड्यूस किया है एंड मुझे उम्मीद है कि लोगों को ऊर्जा का वरदान जो मेरा गाना है छठ का वो लोगों को अच्छा लगेगा। कार्तिक महीनावा के पावन दिनवा आवेला छठ के त्योहार। कार्तिक महीनावा के पावन दिनवा आवेला छठ के त्योहार। सांझ सवेरे सूरज लेवे अरगिया पूजेला जग संसार होवेला जग उजियार। ऊर्जा के मिले वरदान ऊर्जा के मिले वरदान। जय छठी मैया। जी हाँ, बहुत सारे गीत अभी मार्केट में आए हैं। एक मेरा गाना आया है हो गई अरग के बेरा, वो मैं सुना देती हूँ। ये 2024 का है। माथे दौरा उठावा छठी घाटे पहुँचावा। माथे दौरा उठावा छठी घाटे पहुँचावा। हो गईल अरग के बेरा हो गईल अरग के बेरा हो गईल अरग के बेरा हो गईल अरग के बेरा। अब देरी ना लगावा जल्दी जल्दी पाव बढ़ावा। अब देरी ना लगावा जल्दी जल्दी पाव बढ़ावा। हो गईल अरग के बेरा हो गईल अरग के बेरा हो गईल अरग के बेरा हो गईल अरग के बेरा। दान को लेकर के सबसे पहले सनराइज मसाला की तरफ से बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज ऊर्जा मतलब सूर्य की किरणें और जिसकी हम पूजा करते हैं छठ में, तो ऊर्जा से जो वरदान मिलता है उसे छठ मैया की पूजा कहते हैं। और सनराइज़ ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इतना सुंदर गाना और इतना सुंदर वीडियो शूट किया है, जो जिसका पात्र मैं बनकर मेरा सौभाग्य मानती हूँ कि देयर आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। आप राजस्थान से आते हैं लेकिन बिहार का लोक आस्था का ये महापर्व है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। आप जब एक्ट कर रहे थे उस समय किन किन बातों को ध्यान रखते हुए एक्ट करते हुए नजर आए? देखिए, एक्टिंग करते वक्त ना आपको बहुत चीज़ों का ध्यान एस्थेटिक्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसा मैसेज ना हो जाए जो गलत हो जाए, क्योंकि ये बहुत इमोशनली कनेक्टेड है हमारे बिहार में कि छठ में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बट मैं आपको कहूँ कि एस्थेटिक तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद छठ करती हूँ इसलिए मैं इतनी स्पेसिफिक हूँ। अब राजस्थान से हूँ लेकिन शादी बिहार में हुई है तो मैं बिहारी हूँ। और क्या मानते हैं, राजस्थानी मानते हैं या बिहारी मानते हैं? मैं अपने आप को हिंदू मानती हूँ और जो भी जिस पे विश्वास मुझे होता है वो मैं सारी चीज़ें करती हूँ। और भगवान सब एक है, रूप अलग हैं, तो मैं जिस भी रूप में मुझे भगवान अच्छे लगते हैं या मैं उनको मान पाती हूँ, मैं सारे ही भगवान को मानती हूँ। तो मेरा हो थैंक यू। तो ऊर्जा का वरदान जो वीडियो लॉन्च हुआ है, तो आप सुन रहे थे तमाम जो गायक हैं, कलाकार हैं, एक्टर डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे थे और गीत के माध्यम से लोक आस्था के महापर्व को लेकर के, साथ ही साथ गीत के माध्यम से भी बताया और जो देवी के गीत आए हैं उसको लेकर के भी। अमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।